बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ डॉक्टर इजाज़ दर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे, आमीन। दोस्तों, आज जो मैं टेबलेट लाया हूँ उसका नाम है लोसिस टेबलेट, और आज मैं इसका मुकम्मल रिव्यू दूंगा। इसके बारे में बताऊंगा कि लोसिस टेबलेट किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है और कौन सी ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकती है और कौन सी ख़वातीन इस्तेमाल नहीं कर सकती। मज़ीद वीडियो देखने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि एजाज़ इधर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मौसूल हो सके। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लोसिस टेबलेट फ्लेट की कमी की सतह को खून की कम खास वजह से बन सकती है। ऐसी हालत जो कम फ्लेट बन सकती है, इनमें नाकिस गजा अमल, शराब नोशी, जिगर की बीमारी, पेट या आंतों की परेशानी, गुर्दों की डायलिसिस शामिल है। प्रेगनेंसी में मल्टीविटामिन को अल्मिथाइल कोलेट के साथ इस्तेमाल करवाना, फोलिक एसिड के साथ इस्तेमाल करवाने से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इब्तदाई नशोनुमा के दौरान अल्मिथाइल कोलेट तश्कील में मदद करता है। अल्मिथाइल कोलेट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इससे बच्चे का दिमाग और रीढ़ की हड्डी में पैदा होने वाली कुछ बड़े हकाइक को रोकने में मदद मिल सकती है। अल्मिथाइल कोलेट उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनमें डायप्रेस डिसऑर्डर यानी अफसुर्दी की खराबी, जिनमें कोलेस्ट्रॉल की कमी है, शिज़ोफ्रेनिया के अफसुर्दा यानी कि जो शिकार अफराद हैं जो कोलेट के मुताबिक जो हाइप्रोमीनिया यानी कि हाइप्रोमीनिया एक एसिड है और ये जब बनता है जब प्रोटीन टूटता है। विटामिन B6 एक विटामिन है जो असाबी निज़ाम मेटाबॉलिज्म को फ़ायदा देता है। इसका जो काम है वो खाने में तब्दील करना और न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद देता है, जैसे सेरोटोनिन डोपामाइन विटामिन को कम करता है। दिमाग की सेहत को फ़रोग देकर अल्जाइमर के ख़तरे को कम करता है। होम्योग्लोबिन प्रोटेक्ट की मदद से एनीमिया की रोकथाम और इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। अमल के दौरान मतली के इलाज में मदद या मदद है बारीक शरियानों को रोकने और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने का सबब बनता है। विटामिन B12 में गजाइत है, जिस्म के अज़ा और खून की खुलिए को सेहतमंद रखने में मदद करता है और तमाम खुलियों में जमियाती मादे यानी कि DNA बनाने में मदद करता है। विटामिन B12 खून की कमी को रोकता में मदद करता है, जैसे मेगोप्लाएसिड एनीमिया कहा जाता है, जो लोगों में कमज़ोरी थकावट पैदा करता है। इन तमाम विटामिन्स की खूबसूरती है, जिस्म को जो विटामिन्स की ज़रूरत होती है वो जिस्म रख लेता है, बाकी विटामिन्स यूरिन के ज़रिए निकाल देता है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत ही कम लोगों को होते हैं। जिस्म में ख़ारिश या फिर सूजन, चक्कर का आना, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है।
उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। किसी बीमारी के हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इजाज़त दें डॉक्टर इजाज़ दर को, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई रेमेडी, एक नए टोटके, एक नए नुस्खे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।